बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम था इनपुट और आउटपुट। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम इनपुट और आउटपुट करवा रहे होते हैं, यानी कि जैसे हमें कोई भी कंसोल के ऊपर इन आउटपुट चाहिए होती है, यानी प्रोग्राम के अंदर जो भी हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उन रिजल्ट्स के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई इनपुट देनी पड़ती है। तो हमने इनपुट और आउटपुट को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, कि हमने ये बताया था कि जेनेरिकली हमारे पास इनपुट के लिए कीबोर्ड अवेलेबल होता है और आउटपुट के लिए आपके पास मॉनिटर अवेलेबल होता है, और इनके अगेंस्ट आपके सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट के लिए जो फंक्शन होता है वो स्कैनएफ होता है, जबकि आउटपुट के लिए जो फंक्शन होता है वो प्रिंटएफ होता है। यानी जो रिजल्ट्स वगैरह डिस्प्ले करवाते हैं वो आप प्रिंटएफ के फंक्शन के थ्रू करवाते हैं, लास्ट टाइम हम देख चुके हैं। आज हमने स्कैनएफ को डिस्कस करना है। तो स्कैनएफ क्या होता है आपका? स्कैनएफ आपका फंक्शन है, टेक्स एन एज आर्गुमेंट्स अ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स टू होल्ड द इनपुट वैल्यूज। यानी आपकी जो इनपुट वैल्यूज होती हैं, जो आपने इनपुट करना होता है डाटा, उस डाटा के इनपुट के लिए आपके पास जो फंक्शन यूज हो रहा होता है वो आपका स्कैनएफ फंक्शन यूज हो रहा होता है। इस फंक्शन के अंदर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद क्या है? आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, जिसको आपने परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी के नाम से याद किया था, या आपके लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो आपने डेटा टाइप के ऊपर डिक्लेयर किया होता है, यानी इंट एक्स, इंट वाई, इंट एज, इस तरह का आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा। तो इस तरह के लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे वो वेरिएबल्स आपने इसके अंदर भी पेस्ट करने हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यानी आज जैसे हम ब्रैकेट के अंदर, जैसे स्कैनएफ के सिंटेक्स के अंदर लिखा हुआ है स्कैनएफ परसेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है? आपका परसेंट डी आ सकता है, परसेंट एफ आ सकता है, कुछ भी, और कॉमा लगा के आपके पास एम परसेंट और उसके बाद एक्स वाई जेड जो आपने ऊपर डेटा टाइप के ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे वो आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? आर्गुमेंट्स के तौर पर क्या आपके ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं, वो आपके आर्गुमेंट्स के तौर पर जो फॉर्मेट स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, आपके पास स्ट्रिंग, अगर ये आपके पास वर्सटाइल फंक्शन होता है, इट इज अ वर्सटाइल फंक्शन। वर्सटाइल फंक्शन से मुराद क्या होता है? कि ये आपका डुअल नेचर फंक्शन होता है। डुअल नेचर से मुराद क्या होता है? ये आपका वर्सटाइल इस तरह से होता है कि ये आपके न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स को, न्यूमेरिक्स जो आपका डाटा होता है उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है, न्यूमेरिक्स को भी एज एन वेरिएबल या एज अ स्ट्रिंग वो कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, साथ में स्ट्रिंग्स को भी, यानी न्यूमेरिक को भी, और न्यूमेरिक डाटा भी ले रहा होता है और स्ट्रिंग डाटा भी ले रहा होता है। न्यूमेरिक डाटा तो सिंपल आपके आपके नंबर्स वगैरह होते हैं, उसका तो अंदाजा है आपको, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपका एनीथिंग, स्ट्रिंग की डेफिनेशन भी आपने सिंपल से की होगी, एनीथिंग रिटन इन डबल कोट्स, को भी डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई कोई सेंटेंस या इस तरह का, जैसे पाकिस्तान है, इसके अगेंस्ट अगर हम डबल कोट्स लगा दें तो ये क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। तो एक करेक्टर्स की स्ट्रिंग को भी क्या कर रहा होता है? ले रहा होता है। तो ये आपका इस तरह से वो स्टाइल फंक्शन होता है। तो स्कैनएफ के बारे में हमने देखा, स्कैनएफ हमारा क्या है? हमारा इनपुट फंक्शन है जो कि आर्गुमेंट्स को फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ले रहा होता है, जो कि उसके आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। वर्सटाइल फंक्शन होता है, वर्सटाइल से मुराद ये न्यूमेरिक्स को भी अप्लाई, न्यूमेरिक डाटा भी ले रहा होता है और स्ट्रिंग डाटा भी ले रहा होता है। स्कैनएफ का हम सिंटैक्स देते हैं, यानी उसका जो एक सेट ऑफ रूल्स है उसको किस तरह से लिखते हैं। तो हमने पहले सिंटैक्स यानी स्कैनएफ का कीवर्ड यूज करना है, रिजर्व फंक्शन है, रिजर्व वर्ड है, लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको लिखना है। इसको लिखते ही आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है, छोटी ब्रैकेट के अंदर आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग या आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे, और कॉमा लगा के आपने एम परसेंट के साथ आपने जितने भी आपके लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिख देने हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे फोकस करें तो एक छोटे से एग्जाम्पल है जिसके अंदर मेरा मेन फोकस आपको स्कैनएफ के बारे में समझाना है, कि आपके पास हैश इंक्लूड एसटीडीओ, यानी वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लाइब्रेरी फाइल, वाइड मेन से स्टार्ट होके आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया एज का। उसके अंदर आपने प्रिंट एफ के अंदर आपने एक स्टेटमेंट दे दी इंटर एज, आपने इंटर एज यूजर से इंटर करवा ली एज। अब स्कैनएफ क्या करेगा? स्कैनएफ में आप देखें ऊपर आपने इंट यूज किया है, तो स्कैनएफ के आगे आपने कौन सा वेरिएबल, क्यों, कौन सा आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है? आपका परसेंट डी आएगा, और इसको आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, ये आपके एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बन गई है, या फॉर्मेट स्ट्रिंग, और आगे आपने कॉमा लगा के एन परसेंट और एज। तो ये इसके सिंटैक्स के अंदर, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड कॉमा हो गया और एम परसेंट और आपने एज लगा दी।
प्रिंट एफ के अंदर आपने सिंपल से वो एज क्या करवा ली है, यूजर से डिस्प्ले करवा, जो एज उसको स्कैन एफ के अंदर इंटर होगी वही एज वो प्रिंट एफ कर देगा, आपको शो करवा देगा। यहाँ तक तो बात आपकी एक सिंपल सा आपको स्कैन एफ के बारे में समझ आ गया। अब स्कैन एफ के बारे में समझने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ये और यूज हो रहा है जो कि आपका ये एम्परसेंड है। ये एम्परसेंड क्या होता है, ये क्या होता है और क्यों लगाते हैं? ये एम्परसेंड आपका एक इम्पॉर्टेंट है इस तरह से कि अगर आप एम्परसेंड का सिंबल यूज नहीं करेंगे या अगर आपका एम्परसेंड का सिंबल यूज नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका डाटा में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। यार सारा कोड लिखेंगे लेकिन यही एम्परसेंड का साइन ओमिट कर दें, ये अगर आप ना लिखें तो आपके पास कोई भी डाटा शो नहीं होगा। वजह क्या होती है इसकी, एक बेसिक वजह है, बेसिक वजह ये है कि ये एम्परसेंड के सिंबल के अंदर इस जो आपने ये वाली एज, ये आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, इस वेरिएबल का यहाँ पे जो मेमोरी में उसको एड्रेस असाइन हुआ होगा, यानी आपने उसकी डिक्लेरेशन की होगी। जैसे डिक्लेरेशन करते हैं तो हमने देखा था डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग के अंदर हमने क्या कहा था कि जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर डिफाइन करते हैं वहाँ पे उसको मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस एलोकेट हो जाती है। अब जैसे उसको वहाँ पे स्पेस एलोकेट हुई है, ये वाला जो है ये आपका ऑपरेटर है, ये उसके एड्रेस का बताता है कि ये इस मतलब कि ये आपने जो वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल का एड्रेस कौन सा है। जब इसको एड्रेस मिलेगा तब स्कैनएफ फंक्शन वहां से जाके उस वैल्यू को लेके आएगा। तो आपका जो एम्परसेंड सिंबल होता है ये बेसिकली आपके वेरिएबल के एड्रेस को बता रहा होता है। जब तक स्कैनएफ को उसका एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो उसको क्या करेगा, डाटा को नहीं लेके आएगा। ये स्कैनर फंक्शन उसका एड्रेस देने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि मेमोरी के अंदर किस जगह पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू कौन सी है। तो वैल्यू तो खैर उसको कंसोल से ही मिल रही होती है इनपुट करवाते हुए, लेकिन ये वैल्यू के अंदर कौन सा मेमोरी में किस जगह पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है इसको लेके आने के लिए आपका ऑपरेटर एम्परसेंड यूज होता है। एम्परसेंड को आपने फॉरगेट नहीं करना, ये एम्परसेंड आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो आपसे वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है के स्कैनर के सिंटैक्स के अंदर ये एम्परसेंट का क्या यूज होता है, तो एम्परसेंट आपका एड्रेस बताने के लिए यूज होता है। एम्परसेंट का ऑपरेटर आपका मेमोरी के अंदर स्कैनर के अंदर जो आपने ऑपरेटर यूज किया है उस ऑपरेटर का एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए हम एम्परसेंट सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन अब आपको मतलब स्कैनर के बारे में अंदाजा हो गया, प्रिंटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट चीज है जो कि आपकी करेक्टर इनपुट है। करेक्टर इनपुट क्या होती है, ये आपके इनपुट करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स इनपुट करवाने के लिए, यानी आपने जो भी करेक्टर इनपुट करवाया है उस करेक्टर इनपुट करवाने के लिए पहले ये होता था, इन करेक्टर इनपुट से पहले आपने जब भी कोई वैल्यू इनपुट करवानी होती थी, इनपुट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, कोई ना कोई की स्ट्राइक करनी पड़ती थी। जैसे इस करेक्टर इनपुट के लिए, इनपुट करवाने के लिए आप यूज कर सकते हैं किस चीज़ को, स्कैनएफ को भी यूज कर सकते हैं और भी चीज़ें उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैनर को यूज़ करते हुए या और चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको जब भी इनपुट करवाना होता था करेक्टर, तो आपको कोई ना कोई की स्ट्राइक करनी पड़ती थी। तो इस की स्ट्रोक से बचने के लिए, की को अगेन अगेन एंड अगेन स्ट्राइक करने के लिए, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, आपने करेक्टर इनपुट को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आपके दो चीज़ें हैं, गेट करेक्टर और गेट सी एच, यानी गेट सी एच है और गेट सी एच ई है, ये दो फंक्शंस लगवाए। इन दो फंक्शंस का बेसिक मतलब ही यही है, जब हम इनको प्रोग्राम के अंदर राइट कर देते हैं तो हमें ये किसी भी किस्म की की स्ट्रोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही जैसे इनको वैल्यू मिलती है एज एन इनपुट उसी को वैसे ही क्या कर देते हैं, आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवा देते हैं। यानी इन करेक्टर इनपुट करवाने के लिए हमें यहाँ पर कोई की स्ट्राइक करनी नहीं पड़ती, ये दो फंक्शन ही ऐसे ऐसे समझ लें कि की स्ट्राइकिंग का फंक्शन ये खुद इंटरनली परफॉर्म कर लेते हैं। अब इनके अंदर ये होता है They will not accept any argument while they return the type character to the calling function. ये किसी argument को भी accept नहीं करते, यानी bracket के अंदर हम कोई अगर इनको value देने लगे तो ये किसी value को भी accept नहीं करते। जैसे हम इनको लिखेंगे get ch और छोटी सी bracket लगा के comma लगाएंगे, तो उस छोटी सी bracket के अंदर हमने कभी भी कोई भी argument इनके अंदर pass नहीं करवाना, कोई भी variable इनके अंदर नहीं लिखना, क्योंकि ये variable या argument को accept ही नहीं करते। ठीक हो गया। अब इनके अंदर एक basic फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि गेट सी एच जो है ये आपका इको, यानी इको को डिस्प्ले करवाता है, जिस इको कहते हैं डिस्प्ले फंक्शन को। जैसे आपने गेट सी एच यूज करवाया, ये आपको इको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, लेकिन जो आपका गेट सी एच ही है ये आपको फौरन से इको डिस्प्ले इको कर देगा। यानी इको से मुराद क्या है कि आपने जो भी चीज़ इनपुट किया है वो फौरन से आपको डिस्प्ले करवा देगा।
ये आपके इस तरह के मतलब फंक्शन होते हैं, इनके डिफरेंस बेसिक इनका ये होता है कि गेट सी एच जो होता है वो इको डिस्प्ले इको नहीं करवाता है, जबकि जो आपके गेट सी एच ई होता है वो आपका इको करवा देता है। लेकिन इनका दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, और जो भी आपने वैल्यू देनी है और फौरन से ही वो कॉलिंग फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा 10वां चैप्टर खत्म हो गया। 10वां चैप्टर के हमने दो पार्ट देखे, एक हमने आउटपुट का देखा और एक हमने इनपुट का देखा। इनपुट का था, आउटपुट का पहले हम पढ़ चुके थे, इनपुट को आज हमने पढ़ा, स्कैनएफ को पढ़ा, प्रिंटएफ को पढ़ा और उसके अंदर करेक्टर इनपुट को पढ़ा। अगर हम थोड़ा सा इसकी रिवीजन की तरफ जाएं तो हमने जब भी 8वें चैप्टर से सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, 8वें चैप्टर से सी लैंग्वेज को स्टार्ट करते ही हमने दो तीन चीज़ें तो थियोरेटिकली देखी, आपकी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, या उनके बारे में हमने असेंबली लैंग्वेज वो चीज़ें हमने स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड वो हमने पहले से वो देख ली। लेकिन उसके अलावा जो हमने प्रैक्टिकली चीज़ें देखना शुरू की वो 9वें चैप्टर से देखना शुरू की, और उस 9वें चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें सीखी और 10वें चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें सीखी वो हमें कहाँ तक ले गई हैं, अब एक पूरे स्ट्रक्चर तक लेके गई हैं कि हमने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। हमें स्ट्रक्चर से अब आज तक हम जितना पढ़ चुके हैं हम स्ट्रक्चर से गो थ्रू हो चुके हैं कि हमारे स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का हमारा प्रोग्राम बनता है और कौन कौन से उसमें मेजर स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन स्टेप्स को 9वें से 10वें तक जो मेजर चीज़ें थी वो मेजर स्टेप्स हैं उनको मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ, और नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा उसके अंदर हम फुल फ्लैश प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे। इन स्ट्रक्चर की हर एक चीज़ को यूज़ करते हुए हम वो फुल फ्लैश प्रोग्राम्स बनाएंगे कुछ सिनेरियोज़ के अगेंस्ट। तो पहली बात अगर मैं करूँ, जो हमने जो बेसिक डेफिनेशन देखी थी आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थे 9वें चैप्टर के पहले अंदर, कि आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन से थे, आपने क्या पढ़ा था, आपने इंक्लूड हैश इंक्लूड पढ़ा था और डिफाइन पढ़ा था। डिफाइन के कुछ और प्रोस्पेक्टिव थे, हैश इंक्लूड आप मेजरली यूज़ करते हैं, तो इंक्लूड और डिफाइन ये दो आपके क्या थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थे। अब उसके फौरन बाद आपने क्या पढ़ी थी, लाइब्रेरी फाइल पढ़ी थी, यानी आपके पास हैश सिंबल से क्या शुरू होता है, हैश सिंबल से आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट होता है और उसके फौरन बाद आपकी लाइब्रेरी फाइल आती है, और लाइब्रेरी फाइल के अंदर क्या होती है कुछ ना कुछ, जैसे आपके stdio.h है, इसी तरह से आपके पास conio.h है, iostream.h है। तो ये iostream, conio और stdio ये आपकी बेसिक लाइब्रेरी फाइल्स हैं, और .h इसके अंदर हम जो लगा रहे थे वो .h आपका क्या था, उन फाइल्स की एक्सटेंशन थी। तो ये तीन चीज़ें हमने हैश इंक्लूड पहली लाइन के अंदर देख ली, हैश इंक्लूड, इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और एसटीडीओ ये आपकी लाइब्रेरी फाइल्स, और साथ में ही आपकी क्या होती है डॉट एच आपकी एक्सटेंशन होती है। ये पहले दो चीज़ें कवर हो गई हैं, उसके फौरन बाद हम लाइब्रेरी फाइल से नीचे आते हैं तो हमें वॉइड मेन लगाना होता है, जो कि हर प्रोग्राम के अंदर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइब्रेरी फाइल्स वॉइड मेन ये हमें हर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करती पड़ती हैं। वॉइड मेन आपके क्या होता है, मेन फंक्शन होता है जो आपके आपके प्रोग्राम के स्टार्ट को बता रहा होता है। उसके फौरन बाद आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी होती हैं, और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते ही आपका पहला काम क्या होता है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाले डाटा टाइप्स और डाटा को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाना होता है। जो भी डाटा टाइप्स आपकी यूज हो रही होती हैं उन डाटा टाइप्स के बारे में आपने क्या करना होता है, बताना होता है कि जैसे अगर आपने कोई इंटीजर टाइप का डाटा यूज करना है तो आप इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे, अगर आपने कोई फ्लोट का यूज करना है तो फ्लोट होगा, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लेनी है या अगर आपने कुछ भी इस तरह के आपने वेरिएबल्स आके यूज करने हैं तो उन वेरिएबल्स का क्या करेंगे, आप जो भी डाटा टाइप्स रखेंगे वो डाटा टाइप्स आप पहले ही उसके अंदर डिक्लेयर करवा देंगे, यानी आपके प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि किस तरह का डाटा ये आगे यूज करवाने वाला है। तो डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करने के बाद आप डाटा टाइप के साथ उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में एज का एक वेरिएबल लिया तो मैंने उस एज के वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो इसी तरह से आप क्या करवाएंगे, जो भी डाटा टाइप्स यूज करवाएंगे उन डाटा टाइप के साथ जो भी वेरिएबल्स आपने यूज करवाने उन वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करेंगे, जो कि आपका क्या बन जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे अगर हम क्या करें int x y z या एज, या इस तरह के हमने क्या किया था वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया था। और नेक्स्ट लाइन के अंदर, वेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें क्या करना होता है, उनको इनिशियल वैल्यूज असाइन करनी होती है, यानी उनकी हमें इनिशियलाइजेशन करनी होती है। अब इनिशियलाइजेशन क्या आती है हमारी, इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि हम इनिशियल वैल्यू उसको दे देते हैं, जैसे हमने लूप्स वगैरह की मैंने आपको एग्जांपल देके बताई थी, या हमने स्टार्टिंग मैंने आपको फ्लो चार्ट करके दिखाया था, तो उसके अंदर क्या हम स्टार्टिंग वैल्यू स्पेसिफाई करवा देते हैं कि ये चीज़ हमारा ये फंक्शन या वेरिएबल हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे हम किसी को जीरो स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर आप मैथ के अंदर छोटी सी बात करें होल नंबर्स को आप ले रहे होते हैं जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 तक, और इसके अगेंस्ट आप नेचुरल नंबर्स को ले रहे होते हैं 1 2 3 4 5। ये जो जीरो होल नंबर के लिए है ये जीरो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बताना और
आपका जैसे नेचुरल नंबर्स हैं उनका वन आपका क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बताना ही आपका इनिशियलाइजेशन होता है। यानी आपने जो भी डाटा डिक्लेयर करवाया, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उस वेरिएबल के अंदर आपने उसकी इनिशियल वैल्यू को ले लेना है। और नेक्स्ट आपने क्या देखा, प्रिंट एफ देखा, वो आपने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है। जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं और रिजल्ट्स को आउटपुट करवानी होती है, जितनी भी आउटपुट करवानी है उस आउटपुट के लिए आपने क्या करना होता है, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना होता है। और आज ही आपने क्या देखा, आपने स्कैन एफ फंक्शन देखा कि जो भी आर्गुमेंट्स आपने देने होते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स देनी होती हैं, जो भी आपने आर्गुमेंट्स लिस्ट वगैरह देनी, यूजर्स ने देनी होती हैं एक्सेप्ट करवाने के लिए, ताकि उसके कंसोल के ऊपर क्या हो जाए, आउटपुट जनरेट होके आए। तो इस कंसोल के ऊपर आउटपुट जनरेट करवाने से पहले आपको जो इनपुट देनी पड़ती है वो इनपुट आपको स्कैन एफ में देनी पड़ती है, और जो आपको आउटपुट चाहिए होती है वो आउटपुट आपकी प्रिंट एफ देता है। और इस आउटपुट को टाइप जो करवाने के लिए आपको रिजल्ट कॉलिंग फंक्शन को वैल्यूज रिटर्न करने के लिए आपके पास क्या मौजूद है, गेट करेक्टर या गेट सी एच ई, और गेट सी एच और गेट सी एच ई दो फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आपकी वैल्यूज को फौरन से ही डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। तो यहाँ तक हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। अभी स्ट्रक्चर के अंदर ये देखें, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गेट सी एच ई या गेट सी एच ई, ये बिल्कुल एंड के फंक्शन है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपकी बिल्कुल पहली लाइन है और गेट सी एच आपकी बिल्कुल आखिरी लाइन है। इसके दरमियान में आपके पास क्या होता है, ये आपके प्रिंट एफ, ये इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, डेटा टाइप्स, ये सारी यहाँ पे आपके पास साथ में क्या आ जाएंगी, प्रिंट एफ स्कैन एफ के साथ साथ आपकी क्या लग रही होंगी, कुछ बॉडी भी आएगी, कुछ लॉजिक्स वगैरह भी आएंगे जहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मेन मेन स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, आपके हर प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब बिल्कुल तरीक आ रही होंगी, और आप इनको इनके थ्रू प्रोग्राम्स बना रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह फुल फ्लज प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे, और उनके अंदर हम प्रोग्राम्स को बनाएंगे इन्हीं को यूज़ करते हुए। तो आपने टर्बो सी का कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लेना है, और उसके कारण आपको कोई इशू आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर लीजिए। और आपने इस सारी चीज़ों को एक दफ़ा से, जैसे मैंने रिवाइज करवाया है, तो 9वें चैप्टर को और 10वें चैप्टर को आपने एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेना है, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाए अच्छे तरीके से, देन जाके आप क्या करेंगे इसको यूज़ करें। और एक बात आपने एंड कैप पर ये भी याद रखनी है कि कोई भी इनके ऑर्डर जो है, जैसे आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और लाइब्रेरी फाइल्स ऊपर नहीं हो सकती और डायरेक्टिव्स नीचे नहीं आ सकते। वाइड मेन अभी ऊपर नहीं जा सकता, और ये ना तो आपने लिखते हुए इनका ऑर्डर ख़राब करना है और ना ही आपने प्रोग्राम करते हुए इनका ऑर्डर ख़राब करना है। तो ये इसी ऑर्डर के अंदर ही फॉलो होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।